Good morning, children. Here I am again with you with second unit course, Science, Chapter 2, Health and Hygiene. Today we will learn about health and hygiene. Children, let's start with health and hygiene. What is health? Health means a state of complete physical and mental well-being. If we want to stay healthy and fit, we need proper hygienic food, regular exercise, adequate rest, and protection from disease. What is health, children? Health means hamari jo body, physical or mental well-being hai, jo mental or physical status hai, wo achha hona chahiye, swasth hona chahiye. If we want to stay healthy and fit, अगर हमें अच्छे से रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है proper hygienic food, भोजन करना चाहिए, स्वस्थ भोजन, regular exercise, यानी रोज़ हमें body exercise करनी चाहिए, चाहे योगा के माध्यम से हो, चाहे morning walk के माध्यम से हो, adequate rest, proper rest लेना चाहिए, and protection from diseases. इस समय सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमें COVID-19 जैसे डिजीज से कैसे मतलब रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उस वो भी हम इस विषय में पढ़ेंगे. फूड इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट. इट गिव्स अस एनर्जी टू कैरी आउट डेली फंक्शनिंग. Food is also required for the maintenance of health. The food which gives us energy and fills our stomach cannot be said as complete food. A complete food is that which includes body developing materials, energy giving materials, and of course immunity building food materials. हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है खाना, फूड, जिसमें बॉडी डेवलपिंग के लिए एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए और इम्यूनिटी बिल्डअप भी होना चाहिए. फूड मतलब हम कुछ भी खा ले और अपना पेट भर ले, नहीं. हमें प्रॉपर पूरा डाइट के साथ खाना खाने चाहिए, जिसमें दाल भी हो, सब्जी हो, हरी सब्जी हो, पत्तेदार सब्जी हो, रसेदार सब्जी हो, रोटी हो, दही भी हो, हर चीज़ हो, चावल भी हो, तब जाके वो एक फूड, कंप्लीट फूड बनता है. न्यूट्रिशन इन फूड मतलब फूड में कौन कौन से न्यूट्रिशन वैल्यूज होने चाहिए. फूड में हमारे कौन कौन से तत्व होने चाहिए. पहला जो तत्व होना चाहिए वो है प्रोटीन. प्रोटीन क्या करता है? इट आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर. प्रोटीन हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्गर और टॉलर बनाता है. प्रोटीन्स हेल्प इन मेकिंग ब्लड मसल्स. प्रोटीन हमारे शरीर में ब्लड मसल्स बनाते हैं. एंड स्किन ऑफ आवर बॉडी, और बॉडी के जो हमारे स्किन है, जो चमड़े की लगता है, उसको बिल्डअप करता है. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी व्हेन वी गेट हर्ट. जब हमें चोट लगती है तो प्रोटीन के माध्यम से ही जो है वो चोट कवर अप होती है. The healing processes depend upon protein. मतलब healing system, जो चोट लगती है वो चोट जब धीरे धीरे सही होता है उसी को healing system कहते हैं. और protein हमें किस किस चीज़ में पाई जाती है? Egg, fish, meat, milk and pulses, यानी दालें. Next point is carbohydrate. What is carbohydrate, children? Our body needs energy to perform all its function. Carbohydrate provide energy to the body. Sugar, starch, cereals,
potato, wheat and rice are food rich in carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? ये हमारे सारे बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होती है, जो मशीन हमारे बॉडी के अंदर चल रही होती है, वो कार्बोहाइड्रेट के वजह से होती है, परफॉर्म करती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? शुगर, स्टार्च, सीरियल्स, ऑयल, पोटैटो, व्हीट एंड राइस। इन सब चीज़ में कार्बोहाइड्रेट बहु मात्रा में पाया जाता है। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय ईटिंग कार्बोहाइड्रेट इज यूज फॉर स्टडिंग, वर्किंग एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें वर्क करने में, प्ले करने में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, और लिखने पढ़ाई करने में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स यानी वसा। वी ऑल्सो नीड सम फैट्स फॉर आवर गुड फूड हेल्थ। फैट्स गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। They also help to keep our body warm. When we eat more carbohydrates and fats than we need for our daily work and play, the extra food gets stored as a fat in our body. Fats are found in ghee, oil, cheese, butter and nuts. After carbohydrate, next cheez kya hai? Fats, yani vasa, charbi. Ye hame kis cheez mein milta hai? घी में, तेल में, मक्खन और काजू, बादाम, किशमिश, जो ये नट्स है इनमें। फैट क्या करता है? फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है डेली वर्क एंड प्ले करना। कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मात्रा में फैट वो देता है, और फैट को हम अपने बॉडी में स्टोर करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स के बारे में आपने सभी ने सुना है। विटामिन्स क्या है? द विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी नीड देम इन वेरी स्मॉल अमाउंट डेली, बट दे आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। विटामिन्स और मिनरल्स क्या होता है? ये हमें रेगुलर लेना होता है, चाहे थोड़े मात्रा में ही ले, लेकिन लेना होता है। इसका क्या काम है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब जो डिजीज़ होते हैं इनसे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। बच्चों यहाँ पे ये चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्सेस क्या है, यानी विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? एग, मिल्क, बटर एंड वेजिटेबल। विटामिन सी, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। विटामिन ई, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आमंड्स। विटामिन बी, होल व्हीट, मीट, फिश, पीनट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन डी, एग, मिल्क, बटर एंड सनलाइट। विटामिन के, लीवर, टोमेटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। लीवर मतलब इंसान का लीवर नहीं बेटा, ये जो मीट में हम लोग जो गोट मीट और चिकन खाते हैं, उसका जो लीवर होता है उसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट इज रफेज। व्हाट इज रफेज? रफेज मींस फूड दैट कंटेन्स फाइबर्स। वो फूड प्लांट जिसमें फाइबर्स हो। दीज फाइबर्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइट।
they help to carry the waste material from the digestive system of our body and out of the body. Green leafy vegetables, carrots and cucumber contain roughage. Roughage क्या है? Roughage जो है हमारे हम जो खाना खाते हैं फाइबर युक्त खाना, फाइबर मतलब हुआ रेशेदार, रेशेदार खाना जो हम खाते हैं उसमें रफेज पाया जाता है। रफेज का क्या काम होता है? रफेज का काम होता है जो हम खाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल है, बचा कुचा मटेरियल, उसको बाहर निकालना, डाइजेस्ट करके बाहर निकालना। और ये रफेज किस पे पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जी, कैरेट्स यानी गाजर और क्यूकम्बर, खीरा, इसमें बहुत अधिक मात्रा में रफेज पाया जाता है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट मतलब संपूर्ण भोजन, पूर्ण रूप से खाया गया भोजन। अब वो क्या है? अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिशन इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? जो हम खाना भोजन खाते हैं उसमें हर एक चीज हो, उसमें फैट हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, रफेज भी हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, ये सब एक बैलेंस्ड डाइट में, डेली फूड में होना चाहिए। चिल्ड्रन, आज हमने पढ़ा अबाउट फूड, खाने में, खाने में क्या क्या हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स एंड मिनरल, पांचवा रफेज। और इन सब को मिला जुला के जो प्रॉपर खाना हमें खाना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। तो इससे जो है, इस तरह का भोजन लेने से हम स्वस्थ यानी हेल्दी रहेंगे और किसी प्रकार का भी डिजीज, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो डिजीज भी अटैक नहीं करेगा। आज हम यहीं तक इसको एंड करते हैं। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके चिल्ड्रन, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट होम। बाय बाय चिल्ड्रन।